देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। चंडौस अलीगढ़ से चंदौसी थाना क्षेत्र के गांव नगला पदम में दो दिन पूर्व दिवंगत हुए जहरवीर मंदिर के स्थापनाकर्ता और महंत सुरेंद्रनाथ के देह त्यागने के बाद मंगलवार को उनकी समाधि स्थापना की गई। गोदावरी के क्षेत्र में प्रसिद्ध नगला पदम में गोरखनाथ मंदिर पर करीब 25 वर्षों से सुरेंद्रनाथ मंदिर के सेवक के रूप में रहा करते थे। बीते दिनों तबीयत खराब होने के चलते 22 अप्रैल को जिन्होंने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद मंदिर के सेवकों के साथ ही ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ उठी। विधि विधान पूर्वक महंत सुरेंद्रनाथ की विमान यात्रा निकाली गई। इसके बाद आश्रम प्रांगण में एक ही तरफ उनका संतों के अनुसार अंतिम संस्कार कर मंगलवार को तीजा संस्कार कार्यक्रम हुआ। इस दौरान विधि विधान और पुष्प मालाओं से सम्मान पूर्वक महंत की समाधि की स्थापना की गई, जिसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। अनेक क्षेत्रीय लोगों एवं आश्रम के अनुयायियों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर रमेश राघव, मुकेश चौहान, राकेश चौहान, करतार सिंह राघव, ललित चौहान, एडवोकेट मुनिंद्र सिंह, राजेश सिंह, राजकुमार वर्मा, विपिन चौहान, राजेंद्र सिंह, धीरज सिंह बच्चों सहित आदि लोगों ने विशेष सहयोग किया। नवीन कुमार चौहान, जिला क्राइम रिपोर्टर, अलीगढ़। क्या कार्यक्रम है आज यहाँ? आज है बाबा का तीजा हुआ है जी, और इसकी जो समाधि की स्थापना हुई है। कौन से बाबा? सुरेंद्रनाथ बाबा, सुरेंद्र पाल सिंह बाबा जी। कौन थे ये बाबा? ये बाबा अलीगढ़ से रिटायरमेंट होकर आए थे जी, डिग्री कॉलेज। तो इस मंदिर से क्या संबंध था इन बाबा? इस मंदिर के संस्थापक थे, उन्होंने इसकी नींव डाली थी जी, और उसके संरक्षक भी रहे थे। जो किसी कार्य की क्षति होती थी उसे पूर्ति करते थे जी। तो कब इनका मतलब परलोक गमन कब हो गया? ये इनका 22 तारीख में गमन जी जी। तो आज क्या कार्यक्रम था, उसी के उपलक्ष में कोई कार्यक्रम था? उसी के उपलक्ष में इनका तीजा था जी, और ये जो समाधि स्थल है इसकी स्थापना जी जी। बहुत समाधि।